बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी ने एमएलए पद से इस्तीफा दिया। शुभेंदु ने राज्यपाल धनखड़ को लिखा खत, कहा पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोका जाए। मुगल रॉय ने शुभेंदु के फैसले का स्वागत किया, कहा मंत्री पद छोड़ने के बाद भी वेलकम किया था। मुगल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर बोला हमला, कहा पार्टी ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले ये तो होना ही था, टीएमसी के अंदर नेताओं का सम्मान नहीं है। बीजेपी में शुभेंदु के शामिल होने पर दिलीप घोष का बयान, कहा शुभेंदु अधिकारी के फैसले का इंतजार है। बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा का बयान, आखिर में शुभेंदु अधिकारी की हार होगी। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी भी ममता सरकार से नाराज, विकास के लिए केंद्र से मिले पैसे की लगातार मांग कर रहे हैं तिवारी। तिवारी ने आसनसोल से ममता को लगाया फोन, ममता ने कहा कोलकाता आकर मिलूंगी, तब तक दिमाग ठंडा रखें। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा बीजेपी तृणमूल के नेताओं को जबरदस्ती तोड़ रही है। ममता ने कहा मां माटी और मानुष विचारधारा पर काम करती है टीएमसी, हम झूठ बोलकर वोट नहीं लेते हैं। ममता का बड़ा आरोप, कहा चंबल के कुछ डकैत और गुंडे बंगाल आकर पुलिस और पार्टी को धमकाते हैं। ममता ने कहा टीएमसी की जड़ें बरगद की तरह हैं, जो जानते हैं कि अब टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ममता ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा हमने एनपीआर लागू नहीं होने दिया और ये कभी लागू नहीं करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा डर और आतंक के माहौल में होगा ममता के बंगाल में चुनाव, चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी होगी। विजयवर्गीय ने कहा राज्य मशीनरी का चुनाव में न हो इस्तेमाल, केंद्रीय मशीनरी इस्तेमाल की जाए। विजयवर्गीय बोले बंगाल में टीएमसी की जमीन खिसकी, निराश होकर ममता डर पैदा करना चाहती हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, एआईएमआईएम के एजेंडे पर सवाल, लेकिन पश्चिम बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी ही। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इंदिरा सरकार से ममता की तुलना की, ओवैसी की ममता बनर्जी पर हल्ला बोल, कहा ममता पहले अपना घर संभाले, ओवैसी को कोई खरीद नहीं सकता। ओवैसी के बयान पर ममता का पलटवार, कहा मुस्लिम वोटर अपनी जागीर नहीं है। ओवैसी ने लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। यूपी में ओवैसी की एंट्री पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कमल खिला है और खिलता रहेगा। ओवैसी के उत्तर प्रदेश प्लान पर बीजेपी का हल्ला बोल, मंत्री मोहसिन रजा ने कहा देश तोड़ने वाली पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आई। किसान आंदोलन पर गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा मामला देशव्यापी, इसलिए किसान और सरकार के बीच एक कमेटी बने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों की टिप्पणी, राष्ट्रीय मुद्दों को सहमति से सुलझाना चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा किसानों की समस्या जल्द सुलझेगी। ग्वालियर में हुए किसान सम्मेलन में विपक्ष पर गरजे कृषि मंत्री, विपक्ष पर पंजाब के किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। नोटबंदी जीएसटी पर नरेंद्र तोमर ने विपक्ष को घेरा, कहा कड़े फैसले करने के बावजूद 2019 में मोदी सरकार ज्यादा सीटें जीत कर आई। तोमर ने कहा मोदी सरकार ने लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा खेती कैसे होती है बताकर दिखाएं। दिग्विजय और कमलनाथ के उपवास पर भड़के शिवराज सिंह चौहान, कहा पाप किया है तो प्रायश्चित करो। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा किसानों की उपज को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना चाहती है। किसान आंदोलन पर शिवसेना ने सरकार को घेरा, कहा पीएम चाहेंगे तो मामला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट लॉन्च, विदेश मंत्री जयशंकर बोले निर्यात के लिए आयाम खुलेंगे। आंदोलनकारी किसान नेताओं ने लिखित में सरकार के प्रस्ताव का दिया जवाब, चिट्ठी में लिखा किसान आंदोलन को बदनाम न करें। किसान नेताओं ने चिट्ठी में साफ शब्दों में सरकार से कहा सरकार दूसरे किसान संगठनों से समानांतर बातचीत करना बंद करे। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे तभी अगली बातचीत होगी। किसान आंदोलन का 21वां दिन, दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने किया चक्का जाम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले 4 निर्दलीय विधायक, किसानों के मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की। 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे, पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर विजय ज्योति यात्रा, नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने स्वर्ण मशाल प्रज्वलित की। पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पर एक खास लोगो स्वर्णिम विजय जारी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस समेत तीनों नेता प्रमुखों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट, लिखा विजय दिवस पर सैनिकों की वीरता को याद कीजिए। 1971 विजय दिवस की गृहमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं, सेना के पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, 22 दिसंबर को वर्चुअल संबोधन। मोदी कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी पर फैसला लिया, कुल 2251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा। गन्ना किसानों के खाते में 3,500 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी, कुल 18,000 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे। पीएम ने कैबिनेट के फैसले को खुशी का दिन बताया, कहा 3,500 करोड़ से 5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने 7 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया, निर्यात को सब्सिडी भी देने का फैसला। कैबिनेट कमेटी ने नॉर्थ ईस्ट के पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, 6 राज्यों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, ठंड में एलपीजी की खपत बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा, जल्द घटेंगे दाम।
राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान, 15 दिन में 100 रुपए एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम, केंद्र का असंवेदनशील व्यवहार जारी। कन्याकुमारी में अभिनेता कमल हासन का मेगा रोड शो, हजारों की भीड़। रक्षा मामले में संसदीय कमेटी की बैठक से राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट किया। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, कमेटी ने हथियार देने के बजाय सेना के कपड़ों पर बात करके समय बर्बाद की। गुरुवार और शुक्रवार को होगी गृह मामले में संसदीय कमेटी की बैठक, कोरोना पर भी होगी चर्चा। संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन, समिति ने पूछा बजरंग दल पर नरम रुख क्यों। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 4 सेशन में होगा जेईई मेंस का एग्जाम, 23 से 26 फरवरी को पहला सेशन। नई शिक्षा नीति के तहत 2021 में 13 भाषाओं में जेईई मेंस की परीक्षा होगी। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव का 7वां चरण खत्म, 57.22% मतदान। केरल के सीएम पी विजयन ने निकाय चुनाव में मिली जीत को जनता की जीत बताया, कहा अवसरवादी राजनीति को राज्य में जगह नहीं। केरल के कोझिकोड में सीपीआईएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, जमकर चली लाठियां। दिल्ली में विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले 54 लोग गिरफ्तार, मोदी नगर में फेक कॉल सेंटर चलाते थे ठग। हाथरस गैंगरेप केस में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी, सीबीआई ने 18 दिसंबर तक जांच पूरी करने का मांगा वक्त। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में दलित परिवार पर हमला, सवर्ण जाति के लोगों पर हमले का आरोप। जमीन विवाद को लेकर हुए हमले में एक की मौत और 4 लोग घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में ज्वेलरी शोरूम में 7 करोड़ की लूट, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ के बाद एक माओवादी का शव बरामद, मौके पर हथियार भी मिले। देश में कोरोना के 26,382 नए केस, एक दिन में 387 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना के 3 लाख के ऊपर एक्टिव केस, 94 लाख मरीज ठीक होकर वापस घर लौटे। कोवैक्सीन के ट्रायल से जुड़े प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का दावा, वैक्सीन लगाने का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। वैक्सीन ट्रायल के चीफ इन्वेस्टिगेटर संजय राय का बयान, कहा तीसरे फेज में बहुत कम लोग वॉलंटियर बने। संजय राय बोले लोगों में ट्रायल की बजाय वैक्सीन को लेकर अति उत्साह, आम लोगों तक दबाव पहुंचने में लगेगा वक्त। दिल्ली में कोरोना के 1,547 नए केस, एक दिन में 32 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, मई के बाद पहली बार पॉजिटिविटी रेट 2% से कम। यूपी में कोरोना के 1,227 नए केस, एक दिन में 15 लोगों की गई जान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पलटवार, का कोरोना काल में यूपी ने लड़ी दिल्ली से बेहतर लड़ाई। यूपी के परिवार कल्याण विभाग ने रद्द की सभी कर्मचारियों की छुट्टियां, कोरोना वैक्सीनेशन के मद्देनजर लिया गया फैसला। गुजरात में कोरोना से 1,160 लोग संक्रमित हुए, 10 की मौत हुई। ओडिशा में कोरोना के 407 नए केस, राज्य में 3,073 एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 1,240 नए केस, 6 की मौत, 1,400 से ज्यादा रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना के 1,181 नए केस, 12 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 478 नए मामले, 24 घंटे में 3 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 6,185 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 5,728 और कोरोना मरीज ठीक हुए। हिमाचल के सोलन में सर्दी का कहर, खेतों में जमी बर्फ, पानी में जमी बर्फ की परत, इंसान से लेकर जानवर तक सब बेहाल, तापमान पहुंचा माइनस के पार। दुनिया में कोरोना के 7,39,62,000 से ज्यादा केस, अब तक 16,45,000 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में पब और रेस्टोरेंट को खुलने में फिर से लगा लॉकडाउन, लॉकडाउन से लोगों की भीड़ देखी गई। क्रिसमस से पहले पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान, कहा कोरोना वायरस जीने के तरीकों का शुद्धिकरण करेगा। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार, वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल ने बेल बजाकर लोगों को श्रद्धांजलि दी। रूस में अब तक 1.5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका लगाया गया, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी का बड़ा बयान, जो बाइडन के लिए उत्साहित नहीं लेकिन ट्रंप के जाने की खुशी है। इंडोनेशिया में 2002 और 2003 ब्लास्ट के संदीप को जकार्ता लाया गया, अमेरिका ने रखा है $5 मिलियन का इनाम। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हैरान कर देने वाली घटना, एक ग्राहक ने वेटर को टिप के तौर पर करीब 3,68,000 रुपए दिए। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आग का आतंक, रिसाइकलिंग प्लांट के पास लगी आग, लोगों ने घरों की खिड़की दरवाजे बंद किए। कई टेलीकॉम इक्विपमेंट वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी, केंद्र सरकार ले सकती है फैसला। व्हाट्सएप पे सर्विस की शुरुआत, SBI समेत 4 बैंकों ने दी इजाजत, मैसेज की तरह भेज सकेंगे पैसे। रुपए में 5 पैसे की तेजी, एक $1 की कीमत 73.58 रुपए रही और 403 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ सेंसेक्स 46,666 पर बंद, निफ्टी में 114 पॉइंट्स की उछाल।